अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन अजमेर शरीफ जंक्शन पर, और अभी आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस से इलाहाबाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है पहाड़ को देखना, यहाँ के नज़ारे। और अभी हम हैं स्टेशन पर और आज हमारी ट्रेन है वापस इलाहाबाद की अजमेर शरीफ से। अब बस वेट करते हैं, ट्रेन हमारी है 1:15 की, और अभी जो है करीब 10:30 का टाइम हो रहा होगा, तो अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा हमको यहाँ वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी हम सब लोग यही बैठे हुए हैं, ऊपर ही है, नीचे गए भी नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आएगी, तो अब यहाँ से वापसी इलाहाबाद की तरफ है। तो ये भी सफ़र का ही व्लॉग रहेगा, तो आज की वीडियो भी यही शुरू करते हैं। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब लोगों का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, 2 बैग उधर 2 बैग इधर, और एक ये टुकड़ा लिया है, इसमें इमाम हुसैन का गुंबद का नक्श है। हमने तो इसको देखा भी नहीं कैसा है, बरार लिए तो गजब, जब खुलेगा तभी देखेंगे ये है भी कैसा। और हम लोग ऊपर की तरफ बैठे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी ट्रेन, तो 2 की सीढ़ी मेरी जा रही 2 और 3 की। तो अभी जब ट्रेन लग जाएगी प्लेटफॉर्म पर, तब उसके बाद नीचे। अभी हम लोग की ट्रेन आ चुकी है सियालदा, अजमेर से सियालदा, और ये हम लोगों का कोच 80। और हम लोग ऐसे जा चुके थे, अब रात में सीट उट लगा रहे हैं, हमने काम करना दिखा दिया बाहर से। अब आ चुके थे अपने कोच पर, तो ये है हमारी सीट। चलो कम से कम ऐसे चल रही, ठंडा रहेगा, नहीं तो गर्मा जाती, गर्म रहती पागल हो जाता आदमी। चेयर कार की तरह भी है, चाहे तो आदमी वैसे करके बैठ लेट जाएगा, जब लेटना हुआ वैसे तो ठीक रहती है। अबे जब इसको गिराओगे बाबा ना, तो ये दोनों मिलके आपको लग रहा बराबर हो जाएगी, एक सलग पूरी। कहाँ की चौड़ी, अबरार की, कहीं चौड़ी है, सब बराबर है, कहाँ चौड़ी रहेगी। अच्छा ये जब ये गिराएगी ना, हमको लग रहा है ये और वो, तो ये एक बराबर हो जाएगा। कहा गिराएगी, ट्राई करी का क्या गिराएगी सेठ। अबे पूरी ट्रेन खाली में कोई थोड़ी ना, हर आदमी थोड़ी ना जाएगी। हाँ ये भी है, पूरी ट्रेन खाली है। अबरार की सीट क्या है, 46 है ना अबरार की सीट, पूरी वो भी खाली है, हम लोग के अलावा कोई चढ़ा ही नहीं लगता है। अबरार 46 या ऊपर वाली है बे, अबे इधर भी तो दरवाजा है, अबे हम लोग के दरवाजे से सटी तुम्हारी इतनी दूर। अबे एक बार पूरी उठाओ, गिराओ, क्या उठा दियो, गिरे रात देते हो, क्या कर रहे हो। तो ये है अबरार भाई की ऊपर वाली सीट 46 नंबर की। अबरार भाई अब लोगों से दूर बैठेंगे, हम रियाज चचा और फैज भाई की सीट एक साथ है। और अब हम लोग चलेंगे वापस इलाहाबाद। खैर इसमें पर्दा वर्दा भी रहता है ना, तो ये अच्छी चीज़ है कि अपना आदमी सोना हो, पर्दा भेड़े और चुपचाप कम्बल डाल के सो जाए। अभी इस पे रखे नहीं क्या, ना तकिया रखी गई है ना कुछ, अभी हो सकता है क्योंकि लगी है स्टार्टिंग यही से होती है, ट्रेन चलती है यही से। तो अभी काफ़ी साफ साफ ट्रेन हम लोगों को मिली है, अभी गंदी जब होगी, जब यहाँ से निकलेगी पैसेंजर आएंगे। लेकिन मेरा पहली बार, हम सेकंड में जो है ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये है बाथरूम सेकेंड ए सी का, यहाँ पर एक बेसिन लगी हुई है, हैंड वॉश का भी है, हमने सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पर एक कमोड रहती है, एक इंडियन सीट रहती है, मतलब दोनों साइड पे एक एक वॉशरूम होता है, एक तरफ कमोड होती है, एक तरफ इंडियन सीट होती है। आप लोग देख सकते हैं रियाज चचा को भौकाल मारते हुए सेकेंड ए सी डब्बे में। दूसरे की सीट पे कब्जा करते हुए अलविदा अजमेर शरीफ। हम लोग की ट्रेन जस्ट अभी चल चुकी है,
अजमेर शरीफ ट्रेन जो है धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। अब ऐसे गली तकिया रहती है, उनको पिछली बार उनके नीचे वाले तकिया ली रही थी तो उनको लगा डबल है, पिलो कवर लगाए ना वही तो दिया। तो अरे इससे पहले ट्रेन पे लगी थी पिलो कवर चढ़ा के दिया तो बदल के चले जान दे। तारागढ़ पहाड़ का टावर अभी भी दिख रहा है। एसी बोगी जितनी भी होती है, चाहे थर्ड एसी हो चाहे सेकंड एसी हो या फर्स्ट एसी हो, तो अंदर जब बैठो तो ट्रेन के ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, साउंड नहीं होता इतना ज़्यादा, मगर नॉर्मल अगर बैठेगा तो ट्रेन का बहुत ज़्यादा साउंड पता चलता है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, एक नींद मारेंगे, उसके बाद उठेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम लोगों को दिखी है मोरनियाँ, एक दो कई सारी, काफ़ी सारी मोरनियाँ थी। हमें लगा मोर है, फिर चचा बताने लगे कि मोर की दुम लंबी होती है और मोरनी की जो है वो दुम ज़्यादा लंबी नहीं होती, मतलब जैसे बारिश में जो फैला के डांस करना वगैरह, खैर जो भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे मोरनी दिखी थी, आगे भी थी, वो वहाँ पर भी बैठी हुई है एक। अच्छा मोर की दुम तो अभी हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है आगरा। हम लोग आ चुके हैं आगरा फोर्ट, ये आपको सामने दिख रहा होगा आगरा फोर्ट का किला। हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे नहीं थे अजमेर के बाद, जयपुर के बाद फिर हम लोग सो गए थे, नींद मारी, जब उठे हैं तो आगरा फोर्ट। हालांकि उठे तो आगरा जयपुर के बाद से, मतलब जब गाड़ी चली है वहाँ से तो उठ गए थे, मगर अब क्योंकि आगरा के बाद जो एक पुल आता है ना यमुना वाला, जहाँ से ताजमहल दिखता है, तो बस ताजमहल क्योंकि कभी देखा नहीं है, पहली मरतबा देखना ही है। क्योंकि उधर से आने वाली जो ट्रेन थी वो रात हो गई थी, अब यहाँ से जाते समय तो खैर रोशनी है अभी शाम का वक्त, तो अभी यहाँ से भी ट्रेन जो है हम लोग की चल चुकी है आगरा फोर्ट से भी। तो अब धीरे धीरे आगरा जंक्शन से जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी ब्रिज की तरफ, उसके बाद दिखेगा ताजमहल, और ताजमहल देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। देखें है कैसा, क्योंकि कभी पास से तो देखा नहीं है, अब ऐसे ही देख लेते हैं दूर से, कभी इंशाल्लाह हुआ तो ताजमहल भी जाएंगे व्लॉग बनाते बनाते। अगर मेरा व्लॉग चल गया तो इंशाल्लाह फिर घूम घूम के हम भी जो है सब यूट्यूबर्स की तरह एक अपना भी व्लॉगिंग का आगे काम करते रहेंगे। और बस थोड़ा सा ये है कि जो मेरे अंदर डर है व्लॉग बनाने का, मतलब लोगों के सामने ये भी खुल जाए तो और अच्छी बात है, तो खुल के जब लोग बनती तब लोग पसंद भी करते हैं। अभी मेरा चैनल मतलब नहीं चल रहा इसीलिए कि खुल के कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही है जो आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आगरा किला भी अगर हुआ ना तो कभी बाहर जा के उतर के देखने में मज़ा आएगा। ये तो कई स्टेशन से इतनी करीब था तो साफ एक वीडियो मिल जा रही थी, बन जा रही थी, अगर थोड़ा सा दूर पर होता तो वो भी मुश्किल हो जाता। यहाँ पे भी एक मोर बैठा हुआ था किले की छत पे। तो अभी बस चलते हैं जो है पुल की तरफ और देखते हैं ताजमहल। बड़ी ऊंची ऊंची दीवार है, फिर किला भी यार, कोई अंदर ना जा पाए किले के, किसी पे रुटी रहती थी पुराने जमाने में। हाँ
ताजमहल देखो दिख रहा है, बता दिए हाँ, तो हम लोग को भी दिख रहा है ताजमहल, हम घूम करते हैं। हाँ दिख रहा भाई, भाई से बताए, भाई से बताए, अबे पेड़ पोल के लोहा यही सब आ जाए, थोड़ा सा और आगे जब पानी बड़ा तेज सही टाइम आया, दे रहा नहीं पानी बहुत ज्यादा है, खतरे के निशान के ऊपर है पानी, निशान है मंदिर हनुमान जी डूब गए। आप देखें आप लोग ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है, मोबाइल पकड़े हैं ताजमहल के बगल में क्या है, बहुत प्यारा लग रहा मगर खैर हमने तो देख लिया, अब आप लोगों को कैसे दिखाया है, क्योंकि ये कैमरे के जो वो आ रहे बार बार इसे जूमिंग में और फोकस में दिक्कत चल रहा है, यही है ताजमहल। और ये देखिए यहाँ का पानी जो कितना बढ़ा हुआ है, ये रहा ताजमहल। खैर हम लोगों ने इसे देख लिया है, मगर आप लोग उतने अच्छे तरीके से सब ना देख पाएँ, क्योंकि ये जो ब्रिज के पोल आते हैं ना बार बार, तो इससे आउट ऑफ फोकस में कैमरे की दिक्कत होती है, जिस वजह से ज़्यादा क्लियरिटी में कुछ खास दिखा नहीं पा रहा है, मगर फिर भी जितना दिखा दिया बहुत बेहतरीन दिखा दिया। और पानी भी यहाँ का आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ताजमहल भी अभी हम लोगों ने देख ही लिया है, अब बस जाएंगे जल्दी से अपनी सीट पर और सो जाएंगे, अब उठेंगे खाना खाने के टाइम पर, या तो नेक्स्ट स्टेशन जब आएगा तब आपसे मुलाकात होगी। मतलब ये कि ताजमहल बहुत ऊंचा बना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन, दरगाह उस तरफ है ना, उस तरफ थी पिछली बार, कहाँ होएगा चार्ज, टुंडला जंक्शन। जब हम लोग इलाहाबाद से अजमेर जा रहे थे तो जहाँ पे टुंडला जंक्शन पे हम लोग की ट्रेन खड़ी थी, वहाँ पे सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह मदार शरीफ थी, मगर अभी उस मदार शरीफ उस तरफ है और हम लोग की ट्रेन अब की इस तरफ लगी हुई है। व्लॉग में डालो, व्लॉग में स्नैप बना, बोलो सार भाई व्लॉग बना रहे हैं, स्नैप बना रहे हैं, सही है। और अभी यहाँ पर जो है सब वो सो रहे हैं, सन्नाटा मचा हुआ है पूरी ट्रेन में। और अभी हम लोग का भी वक्त है खाना खाने का, तो हम अबरार भाई ऊपर चढ़ गए हैं अपनी सीट पर और खाएंगे खाना। अबरार भाई तो खैर सीट इतनी दूर है 46 नंबर पर, इनको बुला के लाना पड़ा यहाँ पर, आओ साथ में बैठ के खाना खाएंगे। खैर पहली मर्तबा हमको ट्रेन का खाना अच्छा लगा था, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो फिर हर चीज़ अच्छी लगती है, खाने का मन होता है, अगर भूख नहीं तो कुछ अच्छा नहीं। पूरी में क्या नहीं खा सकता, ट्रेन का खाना तो सही रहेगा, जब आ रहे हैं हमारे पास ठीक ठीक।
नेक्स्ट डे आ रहा है इलाहाबाद जंक्शन। सारी टेरी कम्प्लीट नहीं हुई है, नहीं टाइम की जगह इसकी टाइम की जगह इसकी टाइमिंग भी इतनी बहुत जल्दी है। खैर वाली ट्रेन तो 3-4 लेट हुई। तो जाते समय तो ट्रेन जो है वो लेट थी, डिले चल रही थी 3 घंटा, मगर जाते समय भी उसने कवर किया था और बस आधे घंटे ही लेट हुई थी, आधा घंटा पौन घंटा। और अभी जो हम लोगों की ये वाली ट्रेन आई है ये भी एकदम अपने एकदम समय पर है, बस 10 मिनट आगे पीछे, मतलब 10 मिनट थोड़ा सा डिले है, वरना एकदम राइट टाइम है समझ लीजिए। 10 मिनट कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखता और बहुत अपने समय पर लेके आ गई हम लोगों को प्रयागराज जंक्शन। और इसका टाइमिंग था 1:40 और ये लेके हम लोगों को आई है 1:50, यानी 2 बजे मतलब टच करा दी स्टेशन के ऊपर। और अभी बस धीरे धीरे ट्रेन जो है वो लग रही है प्लेटफॉर्म पर और हम लोग भी सब अपना सामान वगैरह अब जल्दी से जाएंगे अंदर से पहले उठा लेंगे और डोर पर ही रख लेंगे। पहले देखते हैं अगर कोई चढ़ने वाला होगा यहाँ से, पहले तो खैर उतर नहीं देते हैं, चढ़ने वाले तो अपना वेट करते रहते हैं, वो तो बाद में भी चढ़ जाएंगे। तो बस जाएंगे जल्दी से सामान लेकर आते हैं फिर उतरते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और बस चलते हैं स्टेशन से बाहर और लेते हैं किसी ऑटो रिक्शा वाले को और फिर चलेंगे घर। तो खैर आज की वीडियो भी हम करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखें सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़। वही दुकान का जी आप।